जो पार्षद यहाँ से जीते हैं पिछले, वो कभी दोबारा से उनके पास धन्यवाद तक करने नहीं गए। मैं उनका धन्यवाद भी कराऊंगा, उनका विकास भी कराऊंगा। नरेंद्र टोकस सरपंच को भारी मतों से विजयी बनाए, जिनका चुनाव निशान हाथी हाथी। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं नू तावड़ू में और हमारे सामने जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम है नरेंद्र सिंह टोकस, जो कि वर्तमान में सरपंच है और बहुजन समाज पार्टी के वार्ड नंबर 2 से जिला पार्षद उम्मीदवार भी हैं। सर नमस्कार। सर, आज को बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? चुनाव में एक तो विकास का, शिक्षा का, और लोगों की किस तरीके से और जो भलाई हो सके। जैसे अब मैं गांव में जा रहा हूँ तो मेरे को उनकी समस्याओं का पता लग रहा है, उन सभी पे गौर किया जाएगा। और यहाँ एक मेन दिक्कत आ रही है, जो पार्षद यहाँ से जीते हैं पिछले, वो कभी दोबारा से उनके पास धन्यवाद तक करने नहीं गए। मैं उनका धन्यवाद भी कराऊँगा, उनका विकास भी कराऊँगा, और जो समस्याएँ मेरे को उनकी लगेंगी ये इनकी ज़रूरी समस्या है, उन सभी पर ध्यान करके उनके काम सारे ही विकास कार्य कराऊँगा। सर, क्या समीकरण बन रहे हैं, कितनी वोट है क्षेत्र में? वोट लगभग 28,000 के करीब वोट है जी। 28,000 वोट है, जिसमें हम 9 कैंडिडेट हैं आज तक। वही तो कल तक देखो एक आध कम बत्ती हो सकता है। और समीकरण तो एक तो जो बसपा का वोट बैंक है जी, वो तो पूरे तौर पर मेरे साथ जुड़ चुका है। पार्टी के सभी पदाधिकारी दिल से मेरे साथ लग के काम कर रहे हैं, और जब मैं बसपा का जो वोट बैंक है उसमें जाता हूँ तो लोग बड़े खुश होते हैं, और जो मेरे अपने रसूख है उससे मिला के, और हम ऊपर वाले ने चाहा तो पार्षद बनने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम विकास की बातें करेंगे। परवारी जी, बहुजन समाज पार्टी ने नरेंद्र सिंह टोकस जी को आशीर्वाद दे दिया है, तो बहुजन समाज पार्टी की क्या प्लानिंग है चुनाव को लेकर? नू जिला के अंतर्गत आज ताबड़ू में वार्ड नंबर 2 से जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय नरेंद्र जी टोकस जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने पीछे नॉमिनेशन किया है, बड़े मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और ये वर्तमान में सरपंच हैं। एक क्षेत्र में, जनता में और प्रशासन में एक ईमानदारी की छवि इनकी जो है किसी से छिपी हुई नहीं है। जो इनका शासनकाल रहा बिल्कुल ईमानदारी का रहा, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर बहुजन समाज पार्टी काम करती है। उसी नीति पर सरपंच साहब ने जो है यहाँ पर अपने क्षेत्र में एक पहचान और पकड़ बनाई है। आज 36 बिरादरी के लोग, सभी धर्म और जाति के लोग इनको यहाँ पर प्यार और दुलार दे रहे हैं, और आने वाली 30 तारीख को इनको वोट देकर अपना जो आशीर्वाद देने का जो यहाँ की जनता काम करेगी, और यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र टोकस जी को यहाँ से जिताने का काम करेगी। क्योंकि सच्चाई में इस क्षेत्र की अनदेखी हुई है, यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप गांव में जाएंगे और रोड नहीं है, नाली नहीं है, ये तमाम तरह की जो है समस्याएं नहीं है, लेकिन ये विश्वास दिला रहे हैं यहाँ की जनता को। अगर आपने इनको अपना आशीर्वाद दिया, आपसे अपील है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है जनता जनार्दन से, इनको 30 तारीख को यहाँ से विजयी बनाने का काम करें, और ये आपके मान सम्मान में और विकास कार्य में कोई कार्य नहीं बकाया छोड़ेंगे, और 5 साल जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करने का काम करेंगे। हमें इस इनकी कार्य शैली से, इनके नेचर से, इनके स्वभाव से हमें पूरा विश्वास है, और ये निरंतर आगे भी जो है बहुजन समाज पार्टी की सेवा करेंगे। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गोवर्धन बोध है जी। जी, मैं बहुजन समाज पार्टी जिला का अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखी है। मैं जिला मेवात में हूँ। तो कैसी तैयारी चल रही है यहाँ पर चुनाव की? तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है जी। हमने जो कैंडिडेट चुन के दिया है, नरेंद्र टोकस जी, सरपंच साहब गोयला,
ये सबका साथ सबका विकास का काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई जाति के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जो इनके पास आ जाता है उसको काम करवाते हैं, जो इनके बस के उसको करवाते हैं। इलाके की भलाई के लिए बहुत बढ़िया है और लोग बाग भी पुकारने लग गए भाई हमने ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है इलाके के अंदर, जो सबका साथ सबका विकास सबका काम करते हैं और भाईचारा बना के चलते हैं। कोई वैसी बात हो जाए तो उसमें पंचायत में भी बढ़िया निर्णय लेके फैसला करवाने का। जी क्या नाम है आपका? नमस्कार सभी साथियों को, सबसे पहले तो मैं जलजीत थुराना और सबसे पहले तो मैं प्रदेश कार्यकारिणी बहुजन समाज पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे जो है इस चुनाव में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है और वार्ड नंबर 2 में जो है मेरी ड्यूटी लगाई गई है। माननीय नरेंद्र सिंह टोकस जी को जो है हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम गांव-गांव जा रहे हैं, गांवों का अच्छा रुझान है क्योंकि 10 सालों में जनता उब चुकी है। जिस तरह के जातीय दंगे हुए हैं, जिस तरह से गरीब लोगों की शिक्षा छीनी गई है, जिस तरह का माहौल भाजपा की सरकार ने यहाँ पर बनाया हुआ है, जनता उससे तंग है, परेशान है और जनता बदलाव चाह रही है। हम भी जानते हैं और जनता भी जानती है कि इस चुनाव से बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक सरकार को मैसेज देना चाहती है जनता कि आप जो है आपका अत्याचार आपका शोषण सहन नहीं करेंगे और बदलाव लेकर आएंगे। बदलाव की उमंग में भर के जो है जनता बहुजन समाज पार्टी का साथ दे रही है और बहुजन समाज पार्टी खड़ी है और हमारे माननीय नरेंद्र सिंह टोकस जी का के आसपास के क्षेत्र में बड़ा नाम है, एक जुझारू कार्यकर्ता और मिलनसार जो है ये इनका व्यक्तित्व है, लोगों के बीच में रहते हैं, जनता की समस्या से जो है ये सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और हमेशा से ही पहले से भी जो है जनता की सेवा करते रहे हैं, विकास कार्य करते रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी से जो है यहाँ से पार्षद बन के जनता के बीच में रहेंगे और जो है इंशाल्लाह हमारी जीत होगी और जनता के विकास कार्य होंगे, शिक्षा चिकित्सा की लहर फिर से आएगी और इस सरकार का जो तानाशाह का जो है मुंह तोड़ जो है जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत सर आप यहाँ पर आए हैं चुनाव में, कैसा रिस्पांस मिल रहा जनता का? जनता का रिस्पांस अपने आप ही सही मिलता है जब पार्टी सही होती है। बहुजन समाज पार्टी सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की पार्टी है, यह जाति और धर्म से उठ के बात रखती है, संविधान के दायरे में चलने वाली है। तो मेरी भी कईयों से बात हुई, मुसलमान भाइयों से भी बात हुई है, तो सभी की राय यह है कि ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो सबको साथ लेके चले और वो छवि सरपंच साहब की नज़र आ रही है सभी को, ऐसे आदमी की छवि नज़र आती है तो सभी समुदाय सभी जाति धर्म के लोग साथ जुड़ते हैं और वो सरपंच साहब के साथ जुड़ते हैं और पार्टी भी संविधानिक पार्टी है तो जीत निश्चित है।